आज हम लोग क्लास 11 समुच्चय की प्रश्नावली 1.4 करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो सम्मिलन ज्ञात करना है। पहला भाग में यक्ष में अवयव कितने हैं, 1, 3, 5, और वाई में है 1, 2, 3। तो इसमें यक्ष सम्मिलन वाई क्या हो जाएगा, इसमें देखिए यक्ष यूनियन वाई है ना, सम्मिलन और इसको यूनियन बोलते हैं। तो ये एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें एक यक्ष के अवयव और वाई के अवयव दोनों अवयव होंगे। उभयनिष्ठ जो अवयव होगा उसको हम एक बार लिखेंगे। तो देखिए इसमें लिख लेते हैं, 1, 3, 5 यहाँ लिखा है, लिखे 1, यहाँ 2 है, 2 लिख देते हैं पहले, 2, 3 यहाँ है और ये 5 लिख लिया। ठीक ना, तो ये यक्ष सम्मिलन वाई हमको ज्ञात हो गया। दूसरा भाग में देखते हैं, ए बराबर ए ई आई ओ यू है और बी समुच्चय में है ए बी सी। तो हम दोनों इसका ए सम्मिलन बी ज्ञात करते हैं। तो इसमें होना चाहिए दोनों के अवयव होने चाहिए और उभयनिष्ठ अवयव को एक बार लिखेंगे। तो लिखिए ए, ठीक ना, यहाँ बी है तो बी लिख लेते हैं, फिर सी है सी लिख लेते हैं, फिर ई आई ओ यू। ठीक ना, ऐसे ले सकते हैं, या तो पहले ए समुच के सभी अवयव लिख लेंगे फिर बी समुच को लिख लेंगे। ठीक ना, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, ठीक ना, ए पहले ए समुच के सभी अवयव लिख लिया, ए ई आई ओ यू, और फिर बी के भी लिख लेते हैं। तो बी में ये उभयनिष्ठ है तो इसलिए एक बार लिखा हुआ है, बी को लिख लेंगे और सी को लिख लेंगे। ठीक ना, तो चाहे पहले इसको इसके इस समुच के सभी अवयव लिख लीजिए फिर बी के सभी अवयव लिख लीजिए, बस उभयनिष्ठ अवयव को एक बार ही लिखा जाएगा। या तो इनको हम अल्फ़ाबेट से लिख दिए, ए के बाद बी आता है फिर सी आता है, ई आई ओ यू, तो हमने इस क्रम में लिख दिया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 तीसरा भाग देखते हैं इसका। देखिए ए में है, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज देखिए क्या हुआ, 3 × 3, 3 × 6, 3 × 9, 3 × 4, ठीक ना, 3 × 5 = 15। इस प्रकार ये हमको समुच के अवयव प्राप्त हो जाएंगे। ठीक ना, और बी में क्या है, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या हमको प्रारंभ होती है 1 से 2, 3, 4 और 5, ठीक ना, 6 से कम चाहिए हमको। तो ये हो गया, अब हमको ए सम्मिलन बी ज्ञात करना है। तो हम पहले इन दोनों के सभी अवयव को लिख लेंगे। देखिए यहाँ 1 है, 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, ठीक ना, फिर ये 4 और 5 लिख लेते हैं हम, यहाँ पर 4, 5 लिख लेते हैं, फिर यहाँ से इनको लिख देते हैं 3, 6, 9, 12, ठीक ना, इस प्रकार ये हमको मिल गया। ठीक ना, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, या करके यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष बराबर 1, 2, 4, 5 या 3 के गुणज हैं। तो इस प्रकार हो गया, 3 के गुणज हैं। ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 4, 5 ये लिख लिया, फिर इसके बाद ये 3 के गुणज हैं, तो इसके बाद या 3 के गुणज हैं, इस प्रकार हमने लिख लिया। अब चौथा भाग देखते हैं इसका। तो चौथे भाग में है, ए देखिए लिखा है, ए यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और यक्ष बड़ा है 1 से और बराबर है और छोटा है बराबर है 6 के। ठीक ना, तो देखिए ये इस प्रकार लिखा हुआ है, यक्ष बड़ा है 1 से और बड़ा है, छोटा है बराबर है 6 के। तो इसमें मतलब हम 1 को शामिल नहीं करेंगे और 6 को शामिल करेंगे। तो लिखेंगे 1 को शामिल नहीं करना, तो 2 से हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया 1 से लेकर 6 तक। और बी में है,
एक प्राकृतिक संख्या है जो यक्ष 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, मतलब 6 और 10 को शामिल नहीं करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है यक्ष 6 से बड़ा है मगर 10 से छोटा है, तो इसमें हमको अवयव क्या प्राप्त होगा, 7, 8, 9। तो 6 नहीं शामिल करेंगे और 10 भी शामिल नहीं करेंगे। अगर हम इसका सम्मिलन ज्ञात कर लेते हैं, ए सम्मिलन बी बराबर जगह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 हो गया। इसका पांचवा भाग है, देखिए पांचवा यहीं लिख देते हैं। पांचवे में है ए बराबर 1, 2, 3 और एक दूसरा बी समुच्चय है इसके 5। 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, मतलब इसमें एक भी अवयव नहीं है। तो जब हम इसका ए यूनियन बी निकालेंगे तो ये हमको इन्हीं के ये अवयव 3 लिख लेते हैं, 1, 2, 3 लिख लिया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर अब 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में है, मान लीजिए ए बराबर, देखिए ए बराबर क्या दिया है, ए और बी है ना, दो अवयव हैं, और बी बराबर ए बी सी ये दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है कि पूछ रहा है कि क्या ए उप समुच्चय है बी का और ए सम्मिलन बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें, देखिए चूंकि ए समुच्चय के सभी अवयव बी समुच्चय में उपस्थित हैं, ठीक ना, चूंकि लिखेंगे चूंकि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं, बी में भी हैं, इसलिए ए उप समुच्चय है बी का, ठीक ना। और इसमें हम ए सम्मिलन बी ज्ञात करेंगे, तो ए सम्मिलन बी क्या होता है, ए समुच्चय ए और समुच्चय बी के दोनों अवयव इसमें होने चाहिए और उभयनिष्ठ अवयव को एक बार लिखना है। देखिए ए बी, यहाँ भी ए बी है और यहाँ एक सी है, तो यहाँ सी लिख लेते हैं। तो इस प्रकार ए सम्मिलन बी प्राप्त हो गया। प्रश्न नंबर 3 में है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उप समुच्चय है बी, तो ए सम्मिलन बी ज्ञात क्या है, ज्ञात करना है। देखिए चूंकि ए उप समुच्चय है बी का है ना, दिया है ये, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव अवयव समुच्चय बी में भी होंगे। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब अगर हम ए सम्मिलन बी ज्ञात करें, ए सम्मिलन बी, तो हमको यहाँ बी प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। ए में एक जो भी अवयव हैं वो बी में उपस्थित हैं, ठीक ना, क्योंकि ए उप समुच्चय है बी का, तो ये सबसे बड़ा समुच्चय हुआ, तो ये बी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर इसका हम उदाहरण ले लें, मान लिया ए बराबर 1, 2 और बी बराबर 1, 2, 3, 4, तो इसमें देखिए ए के प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हैं, इसलिए ए उप समुच्चय है बी का। अगर हम इसका ए सम्मिलन बी ज्ञात करें तो लिख लेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4। अब देखिए 1, 2, 3, 4 हैं, ये जो हैं ये समुच्चय बी है, ठीक है, बी के सभी अवयव हैं, तो हम यहाँ पर बी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ए सम्मिलन बी बराबर बी प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो ये प्रश्न नंबर 3 का हल हो गया।
अब प्रश्न नंबर चार करेंगे। प्रश्न नंबर चार, ए बराबर एक दो तीन चार, बी बराबर तीन चार पाँच छ, सी बराबर पाँच छ सात आठ, डी बराबर सात आठ नौ दस। इसमें हमको पहला ज्ञात करना है ए सम्मिलन बी। तो ए सम्मिलन बी क्या होगा, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ए का एक दो तीन चार सम्मिलन बी तो है तीन चार पाँच छ, इस प्रकार एक दो तीन चार, इसके पहले अवयव लिख लेते हैं, और तीन चार ये उभयनिष्ठ अवयव हैं, पाँच और छः और लिखना है इसमें, तो पाँच छः, इस प्रकार प्राप्त हो गया ए सम्मिलन बी हो गया। अब लिखते हैं ए सम्मिलन सी ज्ञात करना है हमको, तो लिखते हैं इसमें ए के सभी अवयव लिख लेते हैं यहाँ पर हम, एक दो तीन चार सम्मिलन सी, तो सी में अवयव हैं कौन कौन से, पाँच छ सात आठ, तो इनका सम्मिलन ज्ञात हो जाएगा, तो लिखेंगे वन टू थ्री फोर, इनके सभी अवयव लिख लिया। अब इसके अवयव लिख लेंगे पाँच छ सात आठ। तीसरा भाग देखते हैं इसका, तीसरे भाग में है बी सम्मिलन सी, तो बी के अवयव कितने हैं, तीन चार पाँच छ, सम्मिलन सी का है पाँच छ सात आठ, तो सम्मिलन का तीन चार पाँच छ, इनके सभी अवयव लिख लिए। अब इनके लिखेंगे, ये चूंकि दो पाँच छः उभयनिष्ठ हैं तो उनको नहीं लिखेंगे, एक बार लिख लिया है सात और ये आठ लिख लिया। चौथा भाग में है बी सम्मिलन डी ज्ञात करना है, तो बी के अवयव तीन चार पाँच छ, सम्मिलन डी का है सात आठ नौ दस, तो इनका हो जाएगा तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। तो ये चार भाग हो गए, अब पांचवा भाग देखेंगे। पांचवा भाग इसमें लिखा है ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी, तो यहाँ लिखते हैं हम ए के अवयव लिख लेते हैं, एक दो तीन चार सम्मिलन तीन चार पाँच छ सम्मिलन पाँच छ सात आठ, तो इनको लिखेंगे, पहले लिखते हैं एक दो तीन चार, फिर तीन चार पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो पाँच और छः, और यहाँ पर पाँच छः नहीं लिखेंगे, लिखा हुआ है सात ये आठ लिख लिया। छठवां भाग देखते हैं इसका, छठवें में है ए सम्मिलन बी सम्मिलन डी, तो इसमें लिखते हैं ए के अवयव हैं एक दो तीन चार, और बी के हैं तीन चार पाँच छ, सम्मिलन डी का है, डी का है सात आठ नौ दस, तो इनके सम्मिलन हो जाएगा एक दो तीन चार, और यहाँ से पाँच छः लिख लेंगे, पाँच छः ये सात आठ नौ दस, तो छः हो गया। सातवां भाग देखते हैं इसका, सातवां में है बी सम्मिलन सी सम्मिलन डी, तो बी का लिखते हैं तीन चार पाँच छ, और सी में है पाँच
छः सात आठ, सम्मिलन डी का है सात आठ नौ दस, तो इनका हो जाएगा तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर चार के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर पाँच देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँच में है, देखिए प्रश्न नंबर पाँच में है लिखा है, इसमें प्रश्न एक में दिए गए प्रत्येक समुच्च युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्च ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो प्रश्न नंबर एक में जो भी जितने कितने भाग इसमें पांच भाग हैं, तो इनका हमको सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, और प्रश्न नंबर एक में हमने इन्हीं का सम्मिलन ज्ञात किया था। तो देखिए इसमें पहला भाग हो जाएगा, प्रश्न नंबर एक का पहला भाग हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है इसमें यक्स बराबर एक तीन पाँच और वाई बराबर एक दो तीन, इसका हमको सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो सर्वनिष्ठ क्या होता है देखिए, तो सर्वनिष्ठ होता है इन दोनों समुच्चयों में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको हम यहाँ पर सर्वनिष्ठ में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ लिख लिया, तीन है, तीन है, इस प्रकार एक और तीन सर्वनिष्ठ हो गया इसका। दूसरा भाग देखते हैं, इसमें लिखा ए समुच्चय में है, अवयव हैं ए ई आई ओ यू, और बी समुच्चय में है ए बी सी, तो इनका सर्वनिष्ठ क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ हो जाएगा जो दोनों में अवयव हों उनको यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, ए लिख लिया, यहाँ बी है, इसमें बी नहीं है, सी है, इसमें सी नहीं है, तो इसका सर्वनिष्ठ ये प्राप्त हो गया। थर्ड में लिखा है यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और तीन का गुणज है, तो तीन का गुणज क्या होगा, तीन छः नौ बारह, इस प्रकार ये ए निकल गया। और बी क्या लिखा है, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष संख्या छः से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो छः से छोटी एक प्राकृतिक संख्या एक दो तीन चार पाँच, और इनका सर्वनिष्ठ क्या हो जाएगा, तो सर्वनिष्ठ में उभयनिष्ठ अवयव को लिया जाएगा, तो यहाँ उभयनिष्ठ अवयव तीन है, तो ये तीन हो गया। प्रश्न नंबर चौथा भाग है, चौथा भाग में है ए समुच्चय में है, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और यक्ष बड़ा है एक से, है ना, एक नहीं है, यक्ष बड़ा है एक से और यक्ष छः के बराबर और छोटा है, तो इसमें अवयव क्या प्राप्त होंगे, देखिए यक्ष एक से बड़ा है, एक से बड़ा मतलब दो से शुरू है, दो तीन चार पाँच और छः, इसमें यक्ष छोटा है या बराबर भी है छः से, इसलिए हम छः को शामिल करेंगे। और बी में है यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और यक्ष बड़ा है छः से और दस से छोटा, देखिए यहाँ पे लिखा है यक्ष बड़ा है छः से और छोटा है दस से, मतलब हम छः और दस को शामिल नहीं करेंगे, तो इसमें क्या जाएगा, सात आठ नौ नौ, और उसके बाद दस भी नहीं लेंगे, दस से छोटा है तो दस के बराबर नहीं है, तो इसमें इसका सर्वनिष्ठ क्या ज्ञात हो जाएगा, इनमें जो उभयनिष्ठ हैं तो इनमें उभयनिष्ठ कुछ नहीं है, तो उभयनिष्ठ कुछ नहीं है तो ये फाइव प्राप्त हो जाएगा। पाँचवा भाग देखते हैं, इसमें है ए बराबर एक दो तीन और एक बी में फाइव है, फाइव, तो इन दोनों का उभय सर्वनिष्ठ क्या हो जाएगा, तो इनका सर्वनिष्ठ हो जाएगा जो दोनों में है, तो दोनों में देखिए यहाँ एक दो तीन है, वहाँ ये फाइव का मतलब होता है रिक्त समुच, मतलब इसमें कुछ नहीं है, तो इनका सर्वनिष्ठ फाइव प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर पाँच हल हो गया। अब प्रश्न नंबर छः देखेंगे। प्रश्न नंबर छः में है ए में दिखे कितना क्या क्या अवयव है, तीन पाँच सात नौ ग्यारह, और बी में है सात नौ ग्यारह तेरह, सी में है ग्यारह तेरह पंद्रह, और डी में है
पंद्रह और सत्रह, सात नौ ग्यारह, सात नौ ग्यारह तेरह, ग्यारह तेरह पंद्रह। इसमें देखिए पहला ज्ञात करना है, इसमें पहला है ए सर्वनिष्ठ बी, तो इसको हम ज्ञात करते हैं। ए के सभी अवयव हम यहाँ लिख लेते हैं, तीन पाँच सात नौ ग्यारह, और सर्वनिष्ठ बी है सात नौ ग्यारह तेरह, जो इनके उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको हम लिखेंगे। तीन उसमें नहीं है, पाँच नहीं है, सात सात है तो सात लिखेंगे, फिर नौ नौ भी है और ग्यारह ग्यारह भी है। तो ये हो गया इनके ए सर्वनिष्ठ बी हो गया। दूसरा भाग में है बी सर्वनिष्ठ सी निकालना है, तो बी के अवयव पहले लिख लेते हैं, सात नौ ग्यारह तेरह, सर्वनिष्ठ सी तो इसमें है ग्यारह तेरह पंद्रह, इनके उभयनिष्ठ हैं, सात इसमें नहीं है, नौ इसमें है उसमें नहीं है, ग्यारह ग्यारह है और तेरह तेरह है, तो ये हो गया ग्यारह और तेरह। तीसरा भाग में है ए सर्वनिष्ठ सी सर्वनिष्ठ डी, तो इनके हम पहले ए का लिख लेते हैं, तीन पाँच सात नौ ग्यारह, सर्वनिष्ठ सी, सी में है ग्यारह तेरह पंद्रह, सर्वनिष्ठ डी है तो डी में है पंद्रह और सत्रह। तो इन तीनों समुच्चयों में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए इसमें जो सबसे छोटा समुच्चय देखिए यही है पंद्रह, तो पंद्रह यहाँ भी है इसमें नहीं है, सत्रह यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब इसमें से कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है अवयव, तो ये फाइव प्राप्त हो जाएगा। चौथा भाग देखते हैं इसका, चौथे में ए सर्वनिष्ठ सी ज्ञात करना है, तो ए के अवयव तीन पाँच सात नौ ग्यारह, सर्वनिष्ठ सी ग्यारह तेरह पंद्रह, तो इनमें उभयनिष्ठ बिंदु लिखेंगे, तो यहाँ देखिए बस ग्यारह ही है तो ग्यारह हो गया। पांचवा देखते हैं, पांचवे में है बी सर्वनिष्ठ डी ज्ञात करना है, तो बी के अवयव लिख लेते हैं, सात नौ ग्यारह तेरह, सर्वनिष्ठ डी है पंद्रह सत्रह, इनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है अवयव, इसलिए हमको आंसर इसका फाइव प्राप्त हो जाएगा। ये छठवां भाग है, छठवें भाग में है ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन सी ज्ञात करना है हमको, तो पहले हम लिख लेते हैं इनके अवयव लिख लेते हैं। ए के अवयव हैं तीन पाँच सात नौ ग्यारह, और सम्मिलन पहले इनको लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर बी, बी के अवयव कौन कौन से हैं यहाँ लिख लेते हैं, सात नौ ग्यारह तेरह, सम्मिलन सी है ग्यारह तेरह पंद्रह, ये हुआ। या तो चाहें आप तो पहले बी सम्मिलन सी पहले ज्ञात कर लें फिर इसका मान यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर इस प्रकार कर सकते हैं, तीन पाँच सात नौ ग्यारह सम्मिलन, अब इनका सॉरी ये सर्वनिष्ठ का चिन्ह है और सम्मिलन ज्ञात करना है हमको, तीन दोनों में लिख लेते हैं, सात नौ ग्यारह तेरह और ये पंद्रह हो गया। अब इनका सर्वनिष्ठ ज्ञात करेंगे, मतलब इन दोनों समुच्चयों में जो अव्यय उभयनिष्ठ है उनको लिखेंगे, तीन यहाँ है वहाँ नहीं है, पाँच है वहाँ नहीं है, सात है तो सात लिखते हैं, फिर ये नौ लिखते हैं, फिर ये ग्यारह लिखते हैं, तो इस प्रकार इनका आंसर हो गया। सातवां भाग देखते हैं इसका, सातवें भाग में है ए सम्मिलन डी ज्ञात करना है, सॉरी ए सर्वनिष्ठ है, ये सर्वनिष्ठ है
इसको इंग्लिश में इंटरसेक्शन बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन डी ज्ञात करना है। तो ए के अवयव लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11। सर्वनिष्ठ डी के अवयव लिख लेते हैं तो ये हैं 15, 17। इनके जो उभयनिष्ठ अवयव हैं तो इनके कोई भी अभयनिष्ठ अभ्यय नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। आठवां भाग देखते हैं, इसमें लिखा ए सर्वनिष्ठ, बी सम्मिलन, डी। तो इसमें पहले आप चाहें तो ए सम्मिल बी सम्मिलन डी निकाल कर फिर इसके संग इसको हल कर सकते हैं, या तो फिर सीधे एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ए के अभ्यय कौन कौन से हैं 3, 5, 7, 9, 11। सम्मिलन, सॉरी सम्मिलन नहीं है, ए है सर्वनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ। बी, तो बी में क्या है 7, 9, 11, 13। और सम्मिलन डी, डी है 15 और 17। इनको लिखेंगे अब 3, 5, 7, 9, 11। सम्मिलन, सॉरी सम्मिलन नहीं है, ये सर्वनिष्ठ है। अब इसमें लिखेंगे, इनमें है 7, इनका सम्मिलन ज्ञात करना है, 7, 9, 11, 13, 15, 17। और इनका आप सर्वनिष्ठ देखते हैं तो सर्वनिष्ठ में क्या हो जाएगा 3 इसमें है इसमें नहीं है, 5 है वहाँ नहीं है, 7 है वहाँ भी 7 है तो 7 लिख लिया, 9 यहाँ भी है वहाँ भी है, 11 वहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये हो गया ये। फिर इसके बाद नौवां भाग देखेंगे, तो नौवां और दसवां दो भाग और बचे हैं। इसका नौवां भाग देखते हैं अब, नौवे में है ए सर्वनिष्ठ, बी सर्वनिष्ठ, बी सम्मिलन, सी ज्ञात करना है। तो हम देखिए इसका पहले ज्ञात कर लेते हैं फिर इसको ज्ञात करके भी कर लेते हैं। ए सर्वनिष्ठ, बी ज्ञात करते हैं तो हो जाएगा ए 3, 5, 7, 9, 11। सर्वनिष्ठ बी 7, 9, 11, 13। तो इनमें सर्वनिष्ठ मतलब जो उभयनिष्ठ हैं 3 वहाँ नहीं है, 5 वहाँ नहीं है, 7 है तो ये 7 हो गया, 9 वहाँ भी है 9 और 11। फिर यहाँ लिखाएंगे बी सम्मिलन से, बी सम्मिलन सी में बी के अवयव लिख लेते हैं पहले 7, 9, 11, 13। सम्मिलन 11, 13, 15। तो इनका सम्मिलन क्या प्राप्त होगा 7, 9, 11, 13, 15। अब इनका लिख लेंगे, ये हो जाएगा ए सर्वनिष्ठ, बी सर्वनिष्ठ, बी सम्मिलन, सी। तो इसमें जाएगा ए सर्वनिष्ठ बी का मान कितना आया, ये आया है तो हो गया 7, 9, 11। सर्वनिष्ठ 7, 9, 11, 13, 15। इनमें जो उभयनिष्ठ है तो 7 है, 9 है और 11 है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 हो गया इसका। ये दसवां भाग, तो लिखेंगे ए सम्मिलन, डी सर्वनिष्ठ, बी सम्मिलन, सी। तो इसमें ए सम्मिलन डी ज्ञात करते हैं तो ए क्या है 3, 5, 7, 9, 11। सम्मिलन डी 11, ये 15, 17 है, 15, 17। तो इनका सम्मिलन क्या हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। और बी सम्मिलन सी ज्ञात करते हैं तो बी में है 7, 9, 11, 13। सम्मिलन सी का मान सी का अवयव लिख लेते हैं तो हो गया 11, 13, 15। तो इनका सम्मिलन क्या हो जाएगा 7, 9, 11, 13। और 11, 13 की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो बस 15 ही बचा तो 15 लिख लेंगे। तो अब इसका मान ज्ञात करते हैं, जो लिखा है ए सम्मिलन, डी सर्वनिष्ठ, बी सम्मिलन, सी बराबर
तो ए सम्मिलन डी का मान कितना है इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, तो यह है 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 सर्वनिष्ठ, ये हो गया 7, 9, 11, 13, 15 तो इनके जो उभयनिष्ठ अव्यय हैं उनको लिख लेते हैं, 3 वहाँ नहीं है, 5 वहाँ नहीं है, 7 है तो 7 लिखा, 9 भी है, दोनों जो हैं 9 है, 11, 15 तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 के सभी भाग हो गए।